हमारा सभागार है, इसका रूप बदला है तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये रेड कारपेट्स बिल्कुल बीच में है और ये रेड कारपेट है, रेड कारपेट। अच्छा, यहाँ तो क्लास चल रही है। हरीश पवार सर मेरे कलीग, वो कुछ क्लास ले रहे हैं। सर आ जाओ। हमारी शुरुआत साधारण विश्राम से है और साधारण विश्राम में आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्लास से ऊपर कारपेट अभी ये नया लगा हुआ है, प्रिंसिपल सर ने नया कारपेट लगाया है, ये ऊपर कवर कर रहा है, देखो ऊपर तक गया है पूरा। सभी लोग विश्राम होंगे, बीच तो आपका सिर्फ कौन सा लेग बाल से बहुत कुछ करता है, और हाथ कहाँ चले जाएंगे, पीछे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैलेंस हमारा बॉडी का दोनों पॉइंट कितना ज्यादा खोलना है, बहुत ज्यादा नहीं खोलना है। आदित्य बैलेंस हमारे कहाँ रहेगा, दोनों पैर में बराबर रहेगा। लगने चाहिए हम लोग खड़े, बाहर बारिश है तो इसमें क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। सावधान, सिर्फ क्या होगा सावधान में, हमारा लेफ्ट वाला पॉइंट फिर से अपने पोजिशन में आ जाएगा और हमारी जो एरिया है वो जुड़ जाएगी और जो अंगूठे हैं टोए हैं इसको वो खुल जाएगा, क्लियर है मेरे पास। जब तक आप ये पोजीशन नहीं करेंगे तब तक हमारा एजुकेशन का अस्तित्व या फिजिकल एजुकेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट और राइट, सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, सीधे कानों के ऊपर जाएगा लेफ्ट हैंड में। अगर हम तिरछा कर दे तो इसका मतलब क्या होता है, यस सर, या हम किसी को हाथ दे रहे, लेकिन हमारा इशारा सीधा कानों के ऊपर जाएगा, क्लियर है मेरी बात। yes, इसका मतलब ये पोजीशन है कि हमारा हैंड क्या है, सीधा ऊपर है, क्लियर है। yes, sir. तो हमारा कौन सा हैंड है, सबके सामने रेस करा अभी, लेफ्ट हैंड डाउन राइट, सबका राइट हैंड अप होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, जो हमारी कान है इससे ठीक सीधे ऊपर जाएगा, हमारा स्टेट रहना चाहिए ऊपर, और अंगुली सीधी ऊपर दो, हथेली का यू, यानी कि हथेली का जो दिशा रहेगी वो किधर रहेगी, ऊपर कान की साइड, जिधर हमारा क्लियर, ठीक है, करेक्ट कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ, हरीश पवार मैं आपको इसलिए इसको बता रहा हूँ, बाई चांस हम लोग विजुअल इम्पेयर्ड हैं और हमें कई बार हम लोग काम लगा के राइट हो जाइए, आपने क्या कर दिया, आप कैसे, जब अगर आपको जानकारी मिली राइट की तो कहाँ चले गए, आप लेफ्ट चले गए, और क्या हो सकता है लेफ्ट में गड्ढा हो सकता है, और क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। ये हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि अगर लेफ्ट बोल दिया किसी ने तो आप लेफ्ट जाएंगे और राइट बोल दिया तो राइट। अब दूसरी बात, एक और ध्यान रखिए, आपको क्या रखोगे कि कितना जाना है, उसने कह दिया एक स्टेप, आपने तीन बना दिए, फिर तीन के बाद क्या होगा, गड्ढा होगा, तो क्या हो गया, फिर से दुर्घटना की संभावना, ठीक है। आप पूरा हमेशा अपने कानों को एकदम चुस्त और दुरुस्त रखेंगे, अगर किसी ने कहा कि एक स्टेप कहां जाएंगे, राइट जाएंगे, तो सिर्फ आप कितना जाएंगे, एक स्टेप, हाँ हैंड डाउन, सभी लोग एक स्टेप राइट होंगे, राइट राइट साइड जिधर आपका, नहीं मैंने टर्न नहीं बोला है, सिर्फ स्टेप को राइट बोला मैंने, ठीक है। वो इसलिए कह रहा हूं कि एक स्टेप का आपको अंदाजा होना चाहिए, एक स्टेप कितना होता है, ठीक है ना, क्यों, हाँ क्यों, इसलिए है कि अगर एक स्टेप का आपको अंदाजा नहीं होगा तो आपने क्या चल दिया, तीन में क्या होगा, फिर से गड्ढा मिल गया और फिर से गोबर मिल गया, कुछ ऐसी चीज मिल सकती, कोई नुकीली चीज मिल सकती है, तो क्या होगा, कोई ना कोई चोट या नुकसान हो सकता है, क्लियर है मेरी बात। इसलिए हमेशा विजुअल इम्पेयर्ड को हमारे कान बिल्कुल अलर्ट मोड में होना चाहिए, अगर जब तक अलर्ट मोड में नहीं रहेंगे सोते रहेंगे, है ना, किसने कर लिया, आपने राइट ले लिया, राइट कहां बैठे में क्या हुआ, टोपड़ा चेंज हो गया, है ना, क्या क्या अब कदम उतारना शुरू हो गए, हमारी बॉडी हिलने की जहां है वो भी हमारी
ही पोस्चर को ज्ञात करता है कि हम कहाँ हैं। कई बार मैं देखा हूं कि अगर हम कदम ताल कर रहे हैं, हम कदम ताल करते 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 तीसरे गड्ढे में चले गए, है ना, तो वो काम नहीं कर रहा है। जहां है ऊपर वाली बॉडी नहीं हिलेगी, भाई ऊपर वाली बॉडी नहीं हिलेगी, सिर्फ लेग हमारे उठेंगे, हमारी अपनी पोजिशन होना चाहिए, ठीक है। और दोनों हाथ कहां रहेंगे, नीचे अपने बगल में, ठीक है ना, ये नीचे आपने घुटने में लगा दिए, आपके हैंड कहां रहेंगे, बगल में। तो लेफ्ट राइट शुरू करेंगे, कदम ताल शुरू कर, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक, मेडिटेशन मोड में जा रहे हैं, आपको स्टे करना है, हम साधन विश्राम के कदम का उसके बाद आपको मेडिटेशन मोड में सांस लेंगे, आंखें स्लो बंद करके सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आपके पास 50 मिनट है, आप इस 50 मिनट को पूरा दिन की थकान से खत्म करके आराम से फ्रेश होते जाएंगे, हिलेगा कोई नहीं, पूरा फोकस अपने दोनों आंखों के बीच में रहेगा, आपका सेंटर पॉइंट जो दोनों आंखों के बीच में है, जहां हमारा मस्तिष्क है, वहां सोचिए, वहां पूरी अपने दिमाग को वहां फोकस करें, सब कुछ भूल जाना आपको, आप कहाँ हैं आप भूल जाएंगे, धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सो ये था हमारा रेनोवेटेड सभागार असेंबली हॉल, जहाँ पर अभी हरीश पवार सर क्लास कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, ये है क्लास 6। आदर्श विद्यालय राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान का पूरा रेड कारपेट बिछ चुका है, बहुत अच्छी फिनिशिंग, तो फिलहाल हॉल का रूपक बदल चुका है।